आप देख रहे हैं जनमत आवाज। बुरहानपुर से ब्रेकिंग, महिला सूदखोर से प्रताड़ित पशुपालक दंपत्ति एसपी हाफिस पहुंची। महिला सूदखोर से पशुपालन के लिए 10% की दर से लिए थे 3 लाख। महिला सूदखोर ने अब तक वसूले 6.5 लाख। महिला सूदखोर 5 लाख की और मांग कर रही है, दंपत्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित दंपत्ति ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो कर लेंगे आत्महत्या। एसपी ने साहब ने दिए जांच के आदेश, आइए देखते हैं। मैं झांझर से आया हूं सर, मेरा नाम हुकुम है और सर मैंने ब्याज से पैसे लिए थे। किससे कितने पैसे लिए थे? ये सजिदा बानू है बुरवाड़ की महिला, उनसे मैंने पैसे लिए थे। मैं चारण समाज से हूं, मैंने गाय और भैंसों के लिए पैसे लिए थे और उसके बाद में बीमारी आई जो लंपी वायरस लाल खुरी जो फोड़े होते हैं, तो उसमें 2 गाय मेरी मर गई और 2 गाय बची हुई और बैल जोड़ी और भैंस मैंने बेच के उनको पैसे रकम उनको दे दिया। उनके बाद में चेक लेने गया तो उन्होंने मुझे चेक दिए नहीं और मुझे धमकी दी कि 5 लाख रुपये और देना पड़ेंगे। कितना लिया था मैंने? कितनी राशि ली थी? 3 लाख रुपये। अच्छा, फिर 3 लाख रुपये लिए तो मैं दे चुका था। अब उनके बाद मैंने उनको बोला भाई मुझे मेरे चेक दीजिए, उन्होंने चेक देने से इनकार कर दिया, बोले 5 लाख तेरे को और देना पड़ेंगे। कितने दे चुके हैं उनको आप? उनको मैं 3 लाख रुपये दे चुका था। और कितना मांग रहे हो? और 5 लाख रुपये और मांग रहे हो ब्याज। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी 2 दिन से मुझे धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर पैसे तूने नहीं दिए तो हम 3 दिन में तेरे को उठवा लेंगे या फिर तेरे को टुकड़े करके नदी के अंदर फेंक देंगे। क्या कैसा लग रहा है आप लोग परिवार दहशत में? क्या डरे दहशत में हम? सर मैंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया है और मेरे पास सुसाइड करने से भाई कोई इलाज नहीं है। मुझे धमकियाँ दी जा रही है, मेरे बच्चे मेरे बीवी बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं एसपी साहब के पास भी गया था, वहाँ भी आवेदन दिया था मैंने और अब मुझे खाली आप मीडिया का और प्रेस का आपका ही सहारा है। क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे इसका न्याय दिलवाइए और मुझे इस परेशानी से मुक्ति कराइए। मुक्ति कराइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम है, झांझर रहता हूँ।